हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एनएम सिद्दीकी। आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजगढ़ के बारे में। राजगढ़ मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला है और यहां पर कई ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं स्थलों के बारे में। पहला है नरसिंहगढ़ का किला। नरसिंहगढ़ का किला राजगढ़ जिले का एक प्राचीन किला है। यह किला बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह किला राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील में स्थित है। राजपूत, मुगल और मालवा शैली में बना यह किला महाराजा भानु प्रकाश सिंह का महल था, जो 17वीं शताब्दी में बना था। यह किला लगभग 350 फीट ऊंची पहाड़ी में बना है और यहां से आप नरसिंहगढ़ शहर का और आसपास के खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। अगला है जल मंदिर। यह मंदिर नरसिंहगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर परशुराम झील में बना हुआ है। झील के बीच में बना यह मंदिर बहुत ही सुंदर है और शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर को पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप यहां शिवलिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर में शिव जी का जो शिवलिंग है, दोस्तों आप देख सकते हैं, यह शिवलिंग पंचमुखी है। झील के बीच बने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पुल भी बना हुआ है और इस झील के किनारे बहुत से मंदिर बने हुए हैं, जहां आप घूम सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। अगला है मोहनपुरा बांध राजगढ़। मोहनपुरा बांध नेवज नदी पर बना है और यह बांध राजगढ़ जिले का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। यहां पर दूर तक भरे जलाशय को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। इस बांध में 17 गेट हैं। बरसात के समय जब यह बांध पानी से लबालब भर जाता है, तब इसके गेट खोले जाते हैं, तब यहां का नज़ारा बहुत ही शानदार होता है। अगला है दरगाह शरीफ राजगढ़। हजरत बाबा बदख्शानी रहमतुल्ला अलैह के नाम से मशहूर बुजुर्ग सूफी पीर तरीकत, जिनका आस्ताना यानी दरगाह शरीफ मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मौजूद है। आपका नाम शाह सैयद कुर्बान अली बदख्शानी रहमतुल्ला अलैह है। आपका जन्म 1245 हिजरी में बदख्शान अफगानिस्तान में हुआ था। 1268 हिजरी में आप हिंदुस्तान आए और दिल्ली से होते हुए बरेली शरीफ पहुँचे। 1287 हिजरी में आपको बरेली से सनद खिलाफत अता की गई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि हजरत ने अपनी वफात से पहले ही अपने सामने अपने लिए कब्र बनवा ली थी और मुरीदों को इस बात की इत्तला कर दी गई थी कि फला दिन मौलाए हकीकी से मुलाकात का वक्त मुकर्रर हो गया है और तय वक्त पर उनकी वफात भी हुई। हर साल मार्च के महीने में यहाँ पर उर्स का आयोजन होता है, तब दूर दूर से अकीदतमंद आपके दरबार पर अकीदत के नजराने पेश करने और फातिहा खाने के लिए हाजिरी देती हैं। अगला है खिलचीपुर का राजमहल। खिलचीपुर का राजमहल या खिलचीपुर के किला के नाम से प्रसिद्ध यह एक प्राचीन इमारत है। यह इमारत महाराजा प्रियव्रत सिंह का महल है। इसे 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह एक शाही महल है। यह बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। किले की मजबूती एवं महल के भीतरी कक्षों में की गई नक्काशी विशेष रूप से दर्शनीय है। यह महल गढ़गंगा नदी के किनारे बना हुआ है। इस महल से गढ़गंगा नदी के सुंदर नज़ारों को देखा जा सकता है। अगला है जालपा देवी मंदिर। जालपा देवी मंदिर राजगढ़ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर राजगढ़ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर जालपा देवी को समर्पित है। यहाँ पर शेर पर सवार जालपा देवी की सुंदर प्रतिमा है, जिसे आप देख सकते हैं। यह मंदिर राजगढ़ से खिलचीपुर जाने वाले राजमार्ग पर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ पर आप कार या अपनी बाइक से भी पहुँच सकते हैं। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। अगला है चिड़ीखो वन्य जीव अभ्यारण्य नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ में स्थित यह चिड़ीखो अभ्यारण्य यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जंगली जीवों के साथ साथ पौधों की बहुत सारी प्रजातियों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रसिद्ध झील है, जिसका आकार चिड़िया के आकार का है, इसलिए इसका नाम चिड़ीखो झील रखा गया है।
यह झील 1935 में बनाई गई थी। इस झील में आपको पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। अगर आप प्रकृति के सुंदर नज़ारों को देखना पसंद करती हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत ही खास है। अगला है शनि मंदिर खिलचीपुर। यह शनि मंदिर राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के नाहरदा में स्थित है। इस मंदिर में शनिश्चरी अमावस्या पर भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। यह शनि मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर है और यहाँ बहुत दूर दूर से भक्तगण शनि की दशा से छुटकारे के लिए आते हैं। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाकर लाइक और शेयर करें। यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।